और रोडवेज से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, राकेश राय को बनाया है सिंधी कैंप बस स्टैंड का मुख्य प्रबंधक। जांच अधिकारी उदयपुर आगार से उनका तबादला हुआ है। रोडवेज से ये बड़ी खबर है जहां राकेश राय को अब सिंधी कैंप बस स्टैंड का मुख्य प्रबंधक बनाया गया। जांच अधिकारी उदयपुर आगार से उनका तबादला हुआ है और अब नई जिम्मेदारी सिंधी कैंप बस स्टैंड के मुख्य प्रबंधक के तौर पर निर्वहन करते नजर आएंगे राकेश राय। रोडवेज से ये बड़ी खबर, राकेश राय को सिंधी कैंप बस स्टैंड का मुख्य प्रबंधक बनाया गया है। मुख्य प्रबंधक के तौर पर अब अहम जिम्मेदारी अहम भूमिका में नजर आएंगे राकेश राय। हालांकि जांच अधिकारी उदयपुर आगार से उनका तबादला किया गया है। सिंधी कैंप बस स्टैंड के मुख्य प्रबंधक के तौर पर नई जिम्मेदारी। रोडवेज से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, सिंधी कैंप बस स्टैंड के मुख्य प्रबंधक बनाए गए हैं राकेश राय। हालांकि इससे पहले जांच अधिकारी उदयपुर आगार में वो कार्यरत थे, इस पद पर थे और अब इनका तबादला हुआ है। डिप्टी आईजी शिवेंद्र परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, इस नई जिम्मेदारी नई भूमिका को लेकर जरूर जानकारी चाहेंगे जो अब राकेश राय को सौंपी गई है। देखिए, ये बड़ी खबर है श्वेता। आपको ध्यान होगा कि कुछ महीने पहले जो मुख्य सचिव है सुधांश पंत, वो औचक निरीक्षण करने चले गए थे सिंधी कैंप पर। हम तो पहले से खबरें दिखाते ही थे, लेकिन जब चीफ सेक्रेटरी सिंधी कैंप गए तब ये पता चला कि वहां पर ना तो सफाई की कोई व्यवस्था है, ना जो टॉयलेट्स है उनमें साफ सफाई है और चारों तरफ गंदगी का माहौल है। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी काफी नाराज हुए, उन्होंने रोडवेज के जो बड़े अधिकारी उनकी क्लास लगाई। उसके बाद एक जांच कमेटी बनाई गई और उस जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो उस समय की प्रबंधक थी राधिका, उनको निलंबित कर दिया गया। उनके साथ और भी 5-6 कार्मिकों को निलंबित किया गया कि इन लोगों ने जो वहां पर एक सफाई कंपनी थी, जम्बई सफाई कंपनी, उससे साठगांठ कर रखी थी। उसका टेंडर निरस्त करना था लेकिन उसका टेंडर बढ़ा दिया था। उसके बाद से सिंधी कैंप पे मुख्य प्रबंधक की पोस्ट खाली थी, एडिशनल चार्ज के भरोसे काम चल रहा था। लेकिन आज राजस्थान रोडवेज ने यहाँ पर नए अधिकारी की पोस्टिंग कर दी है उदयपुर से। और ऐसे समय में ये भी कह सकते हैं कि ऐसे समय में जब तबादलों पर बैन है, तो लंबे समय के बाद किसी विभाग से तबादले की भी खबर आई थी। राजस्थान रोडवेज में तबादला हुआ है, राकेश रॉय को उदयपुर में जो जांच अधिकारी थे, हालांकि उनका जो लेवल है वो मुख्य प्रबंधक का है, वहां से बुलाया गया है और सिंधी कैंप पर लगाया गया है। हालांकि उनके सामने चुनौती बड़ी होगी क्योंकि सिंधी कैंप का जो कोकस है वो बहुत बड़ा है, वहां से लोग सस्पेंड भले ही हो गए हैं लेकिन अभी भी उनका पूरा ध्यान और पूरा फोकस सिंधी कैंप पे ही है। तो उनके सामने बड़ी चुनौती होगी कि जो प्रदेश का सबसे बड़ा अड्डा है वहां पर किस तरीके से व्यवस्थाओं को वो बनाकर। चलिए, बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो चुनौतियां भी यहाँ पर सामने राकेश राय के लिए रहेंगी, लेकिन बेहद अहम जिम्मेदारी राकेश राय को। रोडवेज से ये बड़ी खबर है जहां अब सिंधी कैंप बस स्टैंड के मुख्य प्रबंधक के तौर पर नजर आएंगे राकेश राय।